बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज अफ्ताब अब्दुल नासर जी। डिस्पिनल एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 16 है जी। क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर हमारे पास ये क्वेश्चन दिया गया है। पहले हमारे पास दो टर्म होती थी, तीन टर्म होती थी, अब हमारे पास फोर टर्म है। तो इन फोर टर्म का हमने ऐसा इस्तेमाल करना है, क्वेश्चन की स्टेटमेंट में सिर्फ यही कहता है फैक्टराइज, क्या आपने फैक्टराइज करना है सिर्फ। तो कैसे करना है, स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा हिंट देता हूँ कि आप जो क्यूब वाली वैल्यू वो एक साइड पे कर लें और दूसरे विदाउट जो क्यूब है जो वन पावर रखती है वो अलग कर लेते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट और लास्ट ये क्यूब वाली वैल्यू है, तो मैं इनको अलग लिख लेता हूँ। यहाँ पर 8x³ प्लस 27y³, और ये जो दो वैल्यू हैं इनको हम अलग लिख लेते हैं, 6x⁹y। ठीक हो गया, पहला स्टेप हमारा ये हो गया। अब यहाँ पर जो क्यूब वाली वैल्यू है उनसे तो फार्मूला हम बनाएंगे। तो फार्मूला हमने कैसे बनाना है, बारह क्वेश्चन इस तरह के कर चुके हैं हम। तो ये 8x³ को हम लिख सकते हैं 2x³। 2 पावर 3 मुराद 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 8, और x पावर 3 बनता है। इसी तरह 27 को लिखते हैं 3y³। 3 3 9 9 3 27। इसी तरह इन दोनों में देखिए कुछ कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है, और माइनस भी कॉमन आ गई, यहाँ पर 3 भी कॉमन आ गया, तो पीछे रह गया 2 2 3 6 होता है ना, और यहाँ माइनस चला गया, पीछे 3 चला गया, और पीछे 3 रह गया, ये 2x+3y यहाँ पर रह गया, माइनस 3 इधर कॉमन आ गया। तो इसको देखें तो यहाँ पर एक फार्मूला इस पर अप्लाई हो रहा है, वो क्या फार्मूला है, a³ + b³ इज इक्वल टू a² - ab + b². ठीक हो गया। तो यहाँ पर फार्मूला अप्लाई करें, a³ + b³ हो तो क्या करते हैं, फर्स्ट a+b, तो a+b जा कर यहाँ पर क्या है, 2x और 3y, ab है, तो हम लिखेंगे 2x+3y। तो यहाँ पर a² a क्या है 2x, इसका स्केयर कर लेते हैं 2x² - ab, a और b का प्रोडक्ट, ab ये दोनों हैं, तो 2x·3y + b² b हमारे पास क्या है 3y, इसका स्केयर, ये फार्मूला अप्लाई हो गया। और नेक्स्ट हमारे पास ये लास्ट टर्म क्या है 3 × 2x³y। नेक्स्ट 2x+3y इधर भी है, 2x+3y इधर भी है, कॉमन लिया जा सकता है, तो ये आ गया 2x+3y। तो पीछे क्या रह गया, इसका 2x² इसको स्केयर ओपन करें तो बनता है 2 × 2 = 4x². नेक्स्ट 2 × 3 = 6xy, और 3² = 9, और y² वैसे यहाँ पर रह गया 3। तो ये इसका फाइनल आंसर आ जाता है। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 17 जो है, इसमें हमने क्या करना है, अब टू टर्म इसमें दी गई हमारे पास, तो टू टर्म होती है तो इसको सॉल्व करना ज़रा आसान हो जाता है। कैसे, अब देखें z³ जो है इसको तो हम z³ इस तरह से लिख सकते हैं, और 1 to 5 को हम लिख सकते हैं 5³। कैसे, 1 to 5 के साथ इसको फैक्टराइज करें, 5 to 10, 2 कह रहे क्या 25, 5 5 25, 5 5 25, 5 1 5, 5 को 3 दफा लिखे तो 5³ बना सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे। ठीक हो गया। अब यहाँ पर इस पर फार्मूला अप्लाई होता है जी, कौन सा, a³ + b³, a+b, a² - ab, b². ठीक हो गया। नेक्स्ट अब देखें, ये a समझ लें, ये b समझ लें, इसका क्यूब है, तो a और b दो को कैसे ओपन करते हैं, a+b, तो a यहाँ पर z है, z+b 5 है, तो इसको ऐसे लिख लिया, फिर a² मतलब फर्स्ट का स्केयर z² - ab, a हमारे पास z है और b यहाँ पर 5 है, फिर b² मतलब 5² ओपन करें, मज़ीद इसको सॉल्व करें, z+5। ठीक हो गया। और मज़ीद इसको देखें तो ये z² ही आएगा, 5 को z से मल्टीप्लाई करें तो ये बनता है 5z, और 5² क्या बनता है 25। तो ये यहाँ पर इसका फाइनल आंसर आ जाता है। ठीक हो गया। नेक्स्ट हम मूव करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 18 जो है इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखें x⁹ + y⁹, तो यहाँ 9 वैल्यू के लिए कोई फार्मूला नहीं है, तो हम इसको ब्रेक इस तरह से करेंगे कि पावर 3 बन जाए, पावर 2 बन जाए, तो वहाँ उनके लिए फार्मूलाज हमारे पास अवेलेबल है, क्यूब के भी हैं, स्क्वायर के भी हैं। तो 9 को ब्रेक कैसे किया जाता है, x⁹ को, तो इसको हम लिखेंगे 3
इंटू थ्री, थ्री रेज टू पावर थ्री, पावर की जब पावर होती है मल्टीप्लाई होती है, तीन तीन को मल्टीप्लाई करें नाइन बनता है। इसी तरह वाई थ्री होल पावर थ्री, यहाँ फार्मूला हमारे पास मौजूद है कि अगर हमारे पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब इस तरह से हो, ए थ्री प्लस बी थ्री, उसको हम कैसे लिखते हैं, ए प्लस बी ए स्केयर माइनस ए बी और बी स्केयर, ठीक हो गया। नेक्स्ट करें इसको ऊपर अप्लाई, तो ए प्लस बी, तो ए यहाँ पर क्या है एक्स क्यूब और वाई क्यूब, इधर बी है, तो हम लिखेंगे ए क्यूब बी क्यूब मतलब ए प्लस बी, और ए का स्केयर मतलब एक्स क्यूब का स्केयर, इसका स्केयर माइनस ए बी मतलब एक्स क्यूब इंटू वाई क्यूब, नेक्स्ट बी क्यूब मतलब वाई स्केयर मतलब बी स्केयर मतलब वाई स्केयर। तो यहाँ पर आ गए हमारे पास एक्स क्यूब वाई क्यूब, एक्स रेज टू पावर थ्री, रेज टू पावर टू, थ्री थ्री मल्टीप्लाई, पावर की जब पावर आती है मल्टीप्लाई होती है सिक्स, फिर एक्स क्यूब और वाई क्यूब प्लस वाई रेज टू पावर थ्री और पावर थ्री, थ्री टू सिक्स, ये आ गया, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास आ गया, और नेक्स्ट अगर देखें तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब भी है, तो इसका फार्मूला हमारे पास क्या होता है, अगर हमारे पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब हो तो इसका फार्मूला हमारे पास होता है फर्स्ट प्लस सेकेंड मतलब ए प्लस बी ए स्केयर माइनस ए बी प्लस बी स्केयर, वही फार्मूला था, वही फार्मूला मैंने दोबारा लिख दिया, चलो कोई बात नहीं। इसके ऊपर अप्लाई करें, फर्स्ट क्यूब प्लस सेकेंड क्यूब क्या होता है, फर्स्ट प्लस सेकेंड, फर्स्ट स्केयर माइनस फर्स्ट सेकेंड और फिर सेकेंड स्केयर, और लास्ट पे जो ये लिखा हुआ है वेक्टर इसको वैसे लिख लेते हैं एक्स क्यूब वाई क्यूब और वाई सिक्स। तो यहाँ पर ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ जाता है, ठीक हो गया। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट होता है, मुझे उम्मीद है सब बच्चों को इसकी समझ आई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।